सुबह जल्दी उठने का बहुत सारा फायदा होता है। दिन का 24 घंटा ना पूरी तरह से 48 घंटा हो जाता है और दिन में हमारा बहुत सारा काम निपट जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है क्योंकि हमारे पास ना टाइम बहुत होता है क्योंकि हम सुबह जल्दी उठते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शोभनास डेली व्लॉग में और एक न्यू व्लॉग वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं मेरे सारे यूट्यूब के फ्रेंड्स, अच्छे हैं ना? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं 5 बजे उठ गई थी। अभी कुछ दिन से मैं 5 बजने तक उठ जाती हूँ क्योंकि मैं पहले रात को देर तक सोती थी, लेकिन अभी कोशिश कर रही हूँ कि रात को जल्दी सोऊँ और सुबह जल्दी उठूँ। तो अभी मैं 11 बजने तक सो जाती हूँ और सुबह सुबह 5 बजने तक मेरा नींद भी अच्छे से पूरी हो जाता है और मैं उठ जाती हूँ। तो आज भी मैं 5 बजने तक उठ गई थी और अभी मैं बाहर थोड़ा सा ठंडी हवा में टहल रही हूँ। अच्छा लगता है, सुबह की जो फ्रेश हवा होता है ना वो सेहत के लिए अच्छा होता है और हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। अगर सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है तो पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है। तो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और वो जब तक लौटेंगे मैं यहाँ बैठकर थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम कर लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। और साथ ही साथ मैं यहाँ थोड़ा सा नॉर्मल पानी पी रही हूँ। कभी मन करता है गुनगुना गर्म पानी पीने के लिए वो पी लेती हूँ, कभी नींबू पानी मन करता है वो पी लेती हूँ, कभी शहद मिलाकर पी लेती हूँ, लेकिन आज मैं नॉर्मल पानी पी रही हूँ। और मेरे हस्बैंड आने के बाद हम दोनों चाय पियेंगे। अभी तक मैं चाय नहीं बनाया है, वो आने के बाद मैं बनाऊंगी क्योंकि अकेले अकेले मुझे चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। चाहे दिन भर का खाना पीना एक साथ हो या ना हो, लेकिन सुबह शाम की चाय एक साथ जरूर होता है। तो वो आने के बाद मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी किचन में क्योंकि मेरा सुबह का जो पहला काम होता है वो होता है कुकिंग, क्योंकि मेरे हस्बैंड 9 बजने तक ऑफिस चले जाते हैं। तो उनके लिए मैं पहले सारी तैयारियाँ करके रख लेती हूँ, उनका खाना पीना, उनका टिफिन सारे रेडी करके रखती हूँ। तो दाल चावल मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ये थोड़ा सा कैबेज को मैं काट के रखा था, इसे भी मैं बना दूंगी और सिंपल सा फ्राई करूंगी, ज़्यादा कुछ मसाला वगैरह नहीं डालूंगी। और उसके बाद बनाऊंगी रोटी। रोटी तो मैं जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पास रोटी मेकर है, उसमें प्रेस करके मैं यहाँ गैस पे सेक लेती हूँ तो बहुत जल्दी बन जाता है। Thank you.
सारा कुकिंग खत्म करने के बाद मैं किचन काउंटर टॉप को अच्छे से साफ कर लिया है, बर्तन वगैरह भी धो लिया है और अभी ये डोसा मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। उसे कैबेज के साथ डोसा बहुत पसंद है, लेकिन उसे पतला वाला या क्रिस्पी वाला डोसा बिल्कुल पसंद नहीं। उसे थोड़ा सा मोटा डोसा पसंद है जो थोड़ा सा स्पंजी होगा और उसमें छोटा छोटा छेद होगा, वो वाला डोसा उसे बहुत पसंद है। तो सारे घर में डस्टिंग करने के बाद अभी मैं किचन को अच्छे से क्लीन स्प्रे डालकर साफ कर रही हूँ, वरना ये बहुत जल्दी चिपचिपा हो जाता है। और डेली डेली क्लीन स्प्रे डालकर अगर हम इसे साफ करते हैं तो ये बहुत ही साफ सुथरा रहता है और बिल्कुल चिपचिपा नहीं लगता है। तो सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं घर में पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा हर रोज का काम होता है। घर को पोछा लगाती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और घर भी बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। तो मेरा मॉर्निंग का सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। कुछ सब्जियां मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, उसे भी अच्छे से साफ करके रख दिया है और मेरे हस्बैंड के लिए टिफ़िन भी पैक कर दिया है। और नर्सरी से मेरे हस्बैंड एक अनार का प्लांट लेकर आए थे तो उसे हम अभी लगा रहे हैं बैकयार्ड में। तो हमारे बैकयार्ड में ना एक बड़ा अनार का प्लांट था, लेकिन उसका जो फ्रूट्स आता था ना वो बहुत छोटा छोटा होता था और खाने में भी इतना टेस्टी नहीं था, तो इसीलिए वो पेड़ को हम काट दिए और उसके जगह ये नया वाला प्लांट लगा रहे हैं और देखते हैं इसमें कैसा फ्रूट्स आता है।